देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि दुनिया को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए आतंकवादियों और उनका साथ देने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय रायसीना डायलॉग प्रोग्राम में जनरल रावत ने कहा कि आतंकवाद को अमेरिका के तरीके से ही परास्त किया जा सकता है। निर्भया के दोषी मुकेश को बड़ा झटका लगा है। मुकेश की दया याचिका को खारिज करने के लिए सिफारिश की गई है। निर्भया रेप और हत्या मामले के दोषियों में से एक मुकेश की दया याचिका को दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को भेज दिया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फाइल भेजकर याचिका खारिज करने की सिफारिश की है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन का सातवां सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 19 जनवरी तक चलेगा, जिसमें संसदीय प्रणाली और विधायी कार्यों को लेकर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज 4 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं। आज से 19 जनवरी तक वो अमेठी और रायबरेली के दौरे पर रहेंगे। प्रियंका रायबरेली से सभी नए जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 दिनों के लिए मुरादाबाद के दौरे पर पहुंचे। मुरादाबाद पहुंचते ही स्वयं सेवकों ने मोहन भागवत का जोरदार स्वागत किया। अगले 3 दिनों तक संघ प्रमुख मोहन भागवत मुरादाबाद के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रांत प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। अखिलेश यादव ने नागरिकता कानून को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने सीएए को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीएए नोटबंदी की तरह बीजेपी का गेम प्लान है। बीजेपी जनता को उलझाए रखने के लिए सीएए लाई है, अब कागजों के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश में कानून व्यवस्था के बारे में बोलते हुए कहा कि देश में पहली बार आईपीएस ट्रांसफर में पैसे लिए जा रहे हैं। डीजीपी के कार्यकाल को बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह भ्रष्ट व्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। नई कमिश्नरी सिस्टम इसलिए लाया गया है ताकि सरकार अपनी कमियां छुपा सके। उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी को आज अपना नया मुखिया मिल गया। बंशीधर भगत को उत्तराखंड बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में बंशीधर भगत को सर्वसम्मति से बीजेपी अध्यक्ष चुना गया। चुनाव प्रक्रिया में प्रदेश भर के नेताओं ने हिस्सा लिया। लखनऊ और इलाहाबाद में हुई अधिवक्ताओं की हत्या के बाद से पूरे प्रदेश में वकीलों में आक्रोश है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर कानपुर बार एसोसिएशन और द लॉयर्स एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। कोर्ट में वकील तो पहुंचे लेकिन काम नहीं हुआ। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन होगा और 17 जनवरी को चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी। पर्यवेक्षक के तौर पर राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव और मंगल पांडे रहेंगे। वहीं स्वतंत्र देव सिंह के मनोनय पर संगठनात्मक मुहर लगाना जाना तय है। शुक्रवार को पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किए जाएंगे। शाम 4 से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जाँच होगी। शाम 6 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। मेरठ के की इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हो रही है। तेज बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी है। वहीं बेमौसम बारिश से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। बारिश और खराब मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने इलाके में ठंड और बारिश से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत की व्यवस्था करें। सीएम ने कहा कि आश्रय गृहों के अलावा और कंबल की उपलब्धता कराई जा सुनिश्चित करें। साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश में बारिश के फसलों को हुए नुकसान का भी आंकलन कर किसानों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मेरठ में सीएए के विरोध में 20 दिसंबर को हुई हिंसा में नमाजत 16 लोगों की क्लीन चिट मिल गई है। पहले भी कई युवकों को सबूत पेश कर छुड़ाया जा चुका है। पुलिस मुखबिरों और स्थानीय लोगों की सूचना पर काम कर रही है। एसआईटी भी मामले की छानबीन में जुट गई है।
बदायूं के मां भागीरथ के घाट पर गंगा महाआरती को मकर संक्रांति पर एक नए साल पूरा हो चुका है। इस अवसर पर महा गंगा आरती और लेजर शो का आयोजन किया गया। भव्य आरती में नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता के साथ साथ वर्तमान के जौनपुर के जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। फरुखाबाद में मिस यूपी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में रैंप वॉक कर अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरने के लिए कई जनपदों से मॉडल शामिल हो रही हैं। इस दौरान रैंप पर जलवा बिखेरने के लिए पहले युवतियों ने मीडिया सेशन से अपने और अपने शहर का परिचय दिया। प्रतिभागियों ने विभिन्न घटनाक्रमों को लेकर मीडिया से अपने विचार साझा किए। 19 के जिला जेल में बंद कैदी अब रेडियो जॉकी का काम कर सकेंगे। संगीतकार का हुनर रखने वाले बंदी रेडियो जॉकी बनेंगे और अपने संगीत के हुनर से कैदियों का मनोरंजन कर मानसिक तनाव दूर करने में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रदेश के कई जिलों में बंद बंदियों के आचरण सुधार अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रदीप रघुनंदन इस पहल के सारथी बने। जेल अधिकारी और डीएम की मौजूदगी में इस अनूठी अभियान की शुरुआत की गई। विकासनगर में पिछले दिनों हुई बर्फबारी और बारिश से गिरे तापमान के बाद से मौसम प्रवासी पक्षियों को खूब भा रहा है। विकासनगर के आसमान बैराज में मेहमान साइबेरियन बर्ड्स की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अनुमान है कि अब तक कई प्रजातियों के लगभग 5000 विदेशी पक्षी आसन बैराज पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कन्नौज जिले में उमरदा विकास खंड के ठठिया इलाके में विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 18 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। विवाह के दौरान बुलाए किन्नरों ने जमकर डांस किया। किन्नरों के डांस देखकर उमरदा खंड विकास अधिकारी सरला देवी का दिल किन्नरों पर आ गया। उन्होंने अपने पर्स से रुपए निकालकर किन्नरों पर लुटाए। ग्रेटर नोएडा में एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। मामले में आरोपी पड़ोस में ही रहने वाला किशोर युवक बताया जा रहा है। घटना के बाद से ही वह फरार है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब नाचते गाते बाराती और रिश्तेदारों के साथ दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचा, तो इस बीच दो बाइकों पर सवार 4 बदमाशों ने दूल्हे के भाई से नकदी और गहनों से भरा बैग लूट लिया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक बदमाश वहां से फरार हो चुके थे। मिर्जापुर पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर पर शराब की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने करीब 50 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद की है। ये शराब कंटेनर में भरकर हरियाणा से बिहार ले जाया जा रही थी। देहात कोतवाली इलाके में बरखच्छा पहाड़ी में पुलिस और अबकारी विभाग की टीम ने शराब की बड़ी खेप पकड़ी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान चालक फरार हो गया। शाहजहांपुर में सरकारी गौशालाओं में लापरवाही के चलते भूख और प्यास से दम तोड़ रही गायों पर अधिकारी मौन है। गौशालाओं में तैनात कर्मचारियों के अनुसार पानी और चारा की व्यवस्था न होने के कारण गायें तड़प तड़प कर मर रही हैं। यहां अब तक 36 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। मेरठ में शांति निकेतन विद्यापीठ स्कूल में अध्यापक ने छात्र की पिटाई कर दी। छात्र ने अध्यापक से एक सवाल का मीनिंग पूछा था, जिसके बाद टीचर ने छात्र की पिटाई कर दी। पिटाई से बच्चे की आंख पर गंभीर चोट आई है। इससे नाराज परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करा दिया है। ललितपुर में एक घरेलू क्रिकेट मैच के दौरान एक खिलाड़ी अपनी टीम की हार बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। टीम को हारता देख खिलाड़ी मैदान पर बेहोश होकर गिर पड़ा। आनन-फानन में उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खिलाड़ी की मौत के बाद से उसका परिवार सदमे में है। जालौन में एक परिवार के 6 लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते बुजुर्ग की जमकर पिटाई की। पिटाई करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। गांव वालों ने बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो भी बनाया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। शामली पुलिस लाइन में तैनात हरेंद्र सिंह नामक के एक सिपाही द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। आत्महत्या की वजह पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मृतक सिपाही का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आगरा के सिकतरा
बम्मा के पास बाइक सवार दंपत्ति को बदमाशों ने लाठी डंडों से जमकर पिटाई की, जिसमें पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पति की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल पति को आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे बाइक लूट का इरादा था। सुल्तानपुर शहर के बीचों बीच राइन नगर मोहल्ले में गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। घायल व्यक्ति को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। कुछ दिन पहले पतंगबाजी को लेकर बच्चों में मामूली विवाद हो गया था, उसी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। देवप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ है। बेकाबू होकर कार खाई में गिर गई, जिसमें कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई और एक घायल बताया जा रहा है। बारिश की वजह से पुलिस और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। कन्नौज में आखरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। घने कोहरे की वजह से तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। बदायूं में रोडवेज बस और मारुति वैन की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद हाईवे पर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। बाद में पुलिस ने दोनों वाहनों को वहां से हटवाकर यातायात सुचारू रूप से चालू करवाया। काशीपुर के बाजपुर में 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स घायल हो गया है। पहली घटना में क्रशर पर खनन सामग्री उतार लौट रहे बेकाबू डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिसमें 1 युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। वहीं दूसरा हादसा नदी के खनन कार्य करने के दौरान हुआ। खनन करते वक्त एक मजदूर की डाम में दबकर मौत हो गई। जौनपुर के मई गांव में डिग्री कॉलेज के सामने ट्रक और बाइक में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि बाइक सवार दोनों लड़के भदोही की तरफ से बाइक से आ रहे थे, तभी जौनपुर से मिर्जापुर जा रहे ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कैंटर और ऑटो में जोरदार भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो में बैठे ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोग इस हादसे में घायल हो गए। सभी मृतक बिजनौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बस्ती में बड़ा हादसा होते होते टल गया। मालगाड़ी की 4 बोगी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी की बोगियां पटरी से उतर जाने के कारण ट्रेनों का आवाहन ठप हो गया। रेल मार्ग बंद होने के लगभग 6 घंटे तक दोनों तरफ से ट्रेनें रोकी गई, जिससे गोरखपुर जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई। ये हादसा रेलवे स्टेशन से करीब 100 मीटर दूरी पर हुआ। हालांकि इससे किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं है। ओडिशा के कटक में गुरुवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा हुआ। यहां मुंबई भुवनेश्वर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस वे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 16 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ, जहां एक खड़ी हुई मालगाड़ी में ट्रेन ने टक्कर मार दी। उत्तराखंड में लगातार बिजली के लाखों कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, जिसके बावजूद भी बिजली खपत वही की वही है। पिछले कई दिनों से बिजली की खपत बीते साल से कम भी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसंसार कंज्यूमर बढ़ने से बिजली चोरी में कुछ हद तक कमी आई है। साथ ही राज्य में सोलर प्रोजेक्ट से बिजली उत्पाद भी बढ़ा दिया गया है, जिससे जनता को काफी बड़ा फायदा हो रहा है। शहरों के साथ साथ गाँव में भी सोलर का उपयोग कर उपभोक्ता बिजली बचा रहे हैं। टेरी झील के ऊपर बन रहे बहुप्रतीक्षित डोबरा चांटी पुल पर इसी साल मार्च महीने के आवाजाही शुरू हो जाएगी। पुल का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। इस पुल के बनने से प्रताप नगर के लाखों लोगों को फायदा होगा और जिला मुख्यालय तक पहुंचने में करीब 60 से 80 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। अभी तक ईरान के साथ परमाणु समझौता बनाए रखने के पक्षधर यूरोपीय देशों ने अब उसे भी निशाने पर लिया है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान पर 2015 के परमाणु समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। यूरोपीय देशों ने कहा कि ईरान समझौते से पीछे हटते हुए फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाने में जुट गया है। ईरान के राष्ट्रपति ने पश्चिम एशिया में तैनात यूरोपीय सैनिकों
के संबंध में चेतावनी दी कि वे खतरे में पड़ सकते हैं। यह चेतावनी ऐसी समय पर आई है जब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने 2015 के परमाणु समझौते की सीमाओं को तोड़ने को लेकर ईरान को चुनौती दी है। एक नया वीडियो फुटेज सामने आया है जिसमें रात को ईरान के दो मिसाइलें आगे बढ़ती हुई यूक्रेन के विमान को लगती नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि दुर्घटनावश ईरान की मिसाइल का निशाना बनने के बाद यूक्रेन के विमान में सवार सभी 176 यात्रियों की मौत हो गई थी। अमेरिका चीन के बीच लंबे समय से चला ट्रेड वॉर अब खत्म होने की दिशा में है। ट्रेड डील के पहले फेज पर दोनों देशों ने दस्तखत कर दिए हैं। बता दें कि दिसंबर के महीने में दोनों देश ट्रेड डील की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। सत्ता के दुरुपयोग और संसद में काम का अवरोध पैदा करने के आरोप में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग अब सीनेट से चलेगा। सीनेट के महाभियोग की कार्यवाही 21 जनवरी से शुरू हो सकती है जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही सीनेट में चलाए जाने के पक्ष में 228 सांसदों ने जबकि विपक्ष के 193 सांसदों ने वोट दिए। विकेट कीपर ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राजकोट में होने वाले दूसरे वनडे के लिए भारतीय टीम का साथ नहीं होंगे। पहले मैच में ऋषभ के सिर पर गेंद लग गई थी जिसके कारण ऋषभ दूसरे मैच से बाहर हो गए। राजकोट में सीरीज का दूसरा वनडे 17 जनवरी को खेला जाएगा। कप्तान विराट कोहली को आईसीसी की टेस्ट और वनडे टीम का कप्तान चुना गया है। कोहली के अलावा चार और भारतीयों को आईसीसी टेस्ट टीम और वनडे टीम में चुना गया है। कोहली ने 2019 में दोनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया था। दर्शकों को खूब भा रही है तानाजी द अनसंग वॉरियर। अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर और दीपिका पादुकोण की छपाक दोनों ही फिल्मों को क्रिटिक्स और दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिला है लेकिन कमाई के मामले में तानाजी छपाक से आगे निकल गई है। इतना ही नहीं वर्किंग डेज पर भी तानाजी की कमाई पर असर नहीं पड़ रहा है। फिल्म तानाजी ने 6 दिन में 109.96 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं छपाक ने 26.17 करोड़ की कमाई की है। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा 16 जनवरी को अपना 35वां बर्थडे मना रहे हैं। इस मौके पर उनकी आने वाली फिल्म शेरशाह का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। यह फिल्म भारत पाकिस्तान के बीच हुई कारगिल युद्ध पर बनी हुई है और कारगिल युद्ध हीरो परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी पर आधारित है। एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की बेटी पीयू छपाक फिल्म देखने पहुंची। लक्ष्मी अग्रवाल ने यह बताते हुए कहा कि फिल्म देखने के बाद उसने दीपिका को जमकर गले लगाया। मैं इसका एक वीडियो बनाना चाहती थी और दुनिया को दिखाना चाहती थी कि उसने अपने तरीके से इस फिल्म पर कैसा रिएक्शन दिया। सोनम कपूर ने ट्वीट करते हुए बताया कि लंदन में कैब सर्विस उबर के साथ उनका एक्सपीरियंस डरावना रहा। उन्होंने लिखा, मैंने लंदन में उबर के साथ कुछ भयानक एक्सपीरियंस किया है, मैं बुरी तरह हिल गई हूं। इस पर एक यूजर ने सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि कैब ड्राइवर मानसिक रूप से परेशान था और उन पर चिल्ला रहा था।